संजय गांधी बहुत कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन इस सच को 38 साल हो चुके हैं और ये दिन था 23 जून 1980 का, जब एक विशालकाय पेड़ के तने की तरह संजय गांधी मजबूत छवि के थे, लेकिन ये तना उस दिन गिर गया जिसका असर पेड़ की जड़ों तक पहुंचा। वक्त सुबह का था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर के बाहर एक हरे रंग की मेटाडोर निकली, जिसे इंदिरा गांधी के छोटे बेटे, दिल से चंचल और हर जोखिम से भरे काम को करने वाले संजय गांधी चला रहे थे। उस वक्त वो अमेठी से सांसद और एक महीने पहले ही कांग्रेस के महासचिव बने थे, लेकिन शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि संजय को अपनी सत्ता और शक्ति के लिए इन पदों का ना तो लालच था और ना ही शायद उतनी जरूरत, क्योंकि सबको उनकी काबिलियत पर भरोसा था। वो थे ही एक जिंदा दिल व्यक्ति। सब जानते थे कि पिछले 5 बरस से वही कांग्रेस के सर्वे सर्वा, या ये कहें कि वो अपनी पार्टी से काफी करीब थे और सबको एक समान मानते थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय घर से निकले और बाहर निकलने की इतनी जल्दी कि माँ को बाय भी ना बोल पाए। संजय का बेटा वरुण सो रहा था, जो महज 3 महीने 10 दिन का बच्चा था, जिसे उस वक्त पत्नी मेनका संभालने में लगी थी। सफदरजंग एयरपोर्ट घर से महज 1 किलोमीटर दूर रहा होगा। जल्दी जल्दी वो पहुंचे, काफी एक्साइटेड थे। यहाँ उनका इंतजार कर रहे थे दिल्ली फ्लाइंग क्लब के चीफ इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना और एक मशीन, लाल रंग की शोक चिड़िया, एक नया एयरक्राफ्ट पिट्स S2A, जिसका हल्का इंजन, कलाबाजी खाने के लिए मुफीद विंग्स। बस एक चीज सही नहीं थी, वो था संजय का रवैया, या आम भाषा में कहें पेशेंस। सियासत की तरह फ्लाइंग में भी वो दुस्साहस की हद तक लापरवाह और जोखिम लेने वाले थे। अक्सर सुरक्षा नियमों को तोड़ते थे। कहने वाले तो ये तक भी कहते हैं कि जूतों के बजाय कोल्हापुरी चप्पलों में ही प्लेन उड़ाने लग जाते थे। संजय की मां इंदिरा को तमाम ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं ने इस बारे में चेताया था, बताया था, मगर बात संजय की थी, जिसकी जिद के आगे पहले भी एक बार बेबस मां ने पूरे देश को रहन रख दिया। यहां तो सिर्फ कुछ नियम भर की बात थी, मगर नहीं, बात दो जिंदगियों की थी, जो सुबह 7:15 पर उड़ान भर चुके थे। कुछ ही मिनटों में वो अशोका होटल के ऊपर गोल नाच रहे थे, यानी कि उनका एयरक्राफ्ट लगातार गोल गोल चक्कर काट रहा था। एयरक्राफ्ट अपने नाम के मुताबिक ही काम दे रहा था, लेकिन 10 मिनट बीतने के बाद संजय इसे खतरनाक निचाई पर लाकर गोते खिलाने की जिद करने लगे और उसके ही कुछ मिनटों के बाद उनका नियंत्रण खत्म हो गया और फिर घर घर की आवाज करता हुआ डिप्लोमेटिक एनक्लेव में संजय गांधी के घर से कुछ ही मिनटों की एरियल दूरी पर पिट्स क्रैश हो गया। चारों तरफ इस भयंकर आवाज के बाद सन्नाटा पसर गया। 15 मिनट के मौके पर एम्बुलेंस एयरक्राफ्ट पहुंचे, डालियां काटी गईं, प्लेन के मलबे के बीच में संजय और सुभाष की लाश निकाली गई। ब्रेन हेमरेज के चलते दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। उन्हें वहीं स्ट्रेचर पर लाल कंबल से ढक रखा था। कुछ ही मिनटों में वहां पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और संजय की मां पहुंच गई अपने सचिव आरके धवन के साथ। कार से उतरते ही इंदिरा दौड़ने लगी, फिर कुछ संभली, मगर बेटी की शक्ल देखने के बाद फूट फूट कर रोने लगी। इंदिरा को संभालने वाला वहां कोई नहीं था, उनकी ताकत छोटा बेटा और राजनीतिक उत्तराधिकारी संजय एक लाश बन चुका था। संजय की पत्नी मेनका घर पर थी, बड़ा बेटा राजीव, बहू सोनिया और उनके बच्चे राहुल और प्रियंका इटली में उस वक्त छुट्टियां मना रहे थे। पूरा देश सकते में था, किसी को यकीन नहीं हो रहा था, सब अपने अपने ढंग से संजय को याद कर रहे थे। विरोधी दलों के लिए वो इमरजेंसी का खलनायक था, जिसकी पहली जिद थी जनता कार बनाना मारुति के नाम से, और इस सपने के लिए मां इंदिरा ने बैंकों की तिजोरियां तक खुलवा दी थी। सरकार की हर मुमकिन मदद दी गई, कार फिर भी नहीं बन सकी, मगर बेटा तब तक सरकारें बनाने बिगाड़ने में लग गया था। इमरजेंसी के दौरान उसने कभी सेंसरशिप की आड़ में पत्रकारों को धमकाया, तो कभी पूरी की पूरी फिल्म की रील ही जलवा दी। तुर्कमान गेट पर मलिन बस्ती हटाने के लिए गोलियां चली, नसबंदी कार्यक्रम के लिए जबरदस्ती की गई, मगर पब्लिक तो मानो जैसे जिद करके बैठी थी
और जब बारी आई तो ऐसा पलटवार किया कि माँ इंदिरा रायबरेली से और बेटा संजय अमेठी से बुरी तरह से चुनाव हार गए। 1980 में एक बार फिर से सत्ता पर मम्मी इंदिरा और संजय काबिज हुए। संजय के राजरोहण की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, वो अपना राजनीतिक कौशल जाहिर कर चुके थे। ये तय था कि अब कांग्रेस में वही होगा जो संजय चाहेंगे, इसलिए तमाम बूढ़े पुराने नेता भी घुटने मोड़कर दंडवत करने लगे। मुख्यमंत्रियों को तो अपनी ऑक्सीजन ही यहीं से मिलती थी, लेकिन ये स्वाद संजय चख ना सके। और तब अचानक संजय चल बसे, सबके समीकरण हिल गए। मगर जल्द ही समझ आ गया कि संजय के बाद बारी राजीव गांधी की है। जो नहीं समझे वो संजय की नाराज विधवा मेनका गांधी संग हो लिए। मेनका ने संजय विचार मंच नाम से पार्टी बनाई, अलग चुनाव लड़ा। 1984 में अमेठी से राजीव को चुनौती देने पहुंची। जनता दल के उदय के साथ उनकी किस्मत भी चमकी। बाद में वो बीजेपी में आ गई और बेटा वरुण भी कमल सहारे खिलने की कोशिशों में आज तक लगे हुए हैं। संजय का जनाजा उनके राजनीतिक कद की गवाही दे रहा था। हर राज्य का मुख्यमंत्री चिता के 200 मीटर के दायरे में मौजूद था। दिल्ली में मौजूदा हर देश का प्रतिनिधि कतार लगाकर खड़ा था। रेडियो पर प्रोटोकॉल तोड़ते हुए शोक धुन बज रही थी। अगले रोज यानी 24 जून को मदरसे में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी का भी निधन हुआ, मगर उस तरफ किसका ध्यान होता। संजय ने आखिरी बार पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो उड़ना चाहते थे, लेकिन शायद वो अपनी मनमानी करके चूक कर गए, और ये चूक ही काफी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।